नमस्कार, अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। असम में जारी कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बारपेटा से शामिल हुए राहुल गांधी। बारपेटा में राहुल गांधी ने कहा, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता, जितने केस लगाने हो लगा लो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में करेगी प्रवेश। बक्सीरहाट होते हुए कूचबिहार में पहुंचेगी यात्रा। गुवाहाटी में न्याय यात्रा में हिंसा के बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR, सीएम हेमंत ने पोस्ट करके दी जानकारी। अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालने की कोशिश पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं। कांग्रेस चीफ खड़गे का अमित शाह को लेटर, असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर दिलाया धान। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूर ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, मोदी सरकार ने किया ऐलान, मरणोपरांत होंगे भारत रत्न से सम्मानित। पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट पर कर्पूर ठाकुर को जन्म शताब्दी पर दी श्रद्धांजलि, लिखा, हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का मिला सौभाग्य। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कर्पूर ठाकुर को भारत रत्न देने पर बयान, कहा, मैं गरीबों और पिछड़े लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया हर्ष का समय, कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ऐतिहासिक निर्णय। बिहार में RLD नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को बताया ऐतिहासिक, कहा, हम पीएम मोदी के आभारी हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह भारत रत्न के ऐलान पर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा, मोदी जी ने सम्मान देकर कीर्तिमान स्थापित किया। LJP रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा, बिहार वासियों की मांग में पीएम मोदी ने सम्मान दिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भारत रत्न देने का बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा, बिहार और पूरे देश के लोग उनके आभारी हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भारत रत्न सम्मान देने पर बताया बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कहा, जन नायक इसके बहुत बड़े हकदार थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा, पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले बीजेपी MLC संजय मयूख, पीएम मोदी के फैसले से बिहार के लोगों को हुआ गर्व। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और TMC का झगड़ा खुलकर आया सामने। ममता ने कहा, कांग्रेस को देश की 300 सीटों पर मदद करेंगी लेकिन बंगाल में 2 से ज्यादा नहीं देंगी सीट। ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया पलटवार, कहा, ममता मौका परस्त है, भूल गई बंगाल में लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस ने उनकी मदद की थी। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा, इस बार का चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। अधीर रंजन को TMC नेता शांतनु सेन ने दिया जवाब, कहा, बंगाल में कांग्रेस का कोई बेस नहीं, TMC के खिलाफ बोलकर BJP की कर रहे हैं मदद। राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते, लोकल लीडर्स करते हैं आपस में बयानबाजी, अलायंस को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पूर्णिया में कांग्रेस के अकेले रैली करने पर भड़के JDU, KC त्यागी बोले, इंडी गठबंधन के बैनर तले करते तो ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होती। लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीट जीतेगी BJP, BJP अध्यक्ष JP नड्डा का दावा।